सातवीं बारी यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका 23 के 46 पद में लिखा है, यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा और कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये सातवीं वाणी है जिसे यीशु मसीह ने क्रूस पर कही। छह वाणी पोस्ट हो चुकी है, जाइए और उसको देखिए, विस्तार रूप से बताया गया है, और अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कीजिए। यीशु ने पुकारा क्यों कहा, क्या हमारा पिता धीरे बोलने से नहीं सुनता? हमारा पिता यदि हम मन में भी प्रार्थना करें तो भी वह हमारी प्रार्थना को सुनने की सामर्थ्य रखता है। तो फिर यीशु ने बड़े जोर से पुकारा क्यों कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस पृथ्वी पर तीन प्रकार के लोग रहते हैं। पहला, नास्तिक, जो परमेश्वर विश्वास नहीं करते, जैसे आतंकवादी और नक्सलवादी। दूसरा, संसारिक लोग, वे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही परमेश्वर के करीब आते हैं, पापों से उद्धार की चाहत उनमें नहीं होती। और तीसरा वो व्यक्ति है आत्मिक लोग, ये वे लोग हैं जो पापों से उद्धार पाने की लालसा से प्रभु यीशु के पास आते हैं। हालेलुया। जिन्होंने यीशु क्रूस पर चढ़ाया था वे सभी शारीरिक लोग थे, जिन्हें पापों से उद्धार पाने की लालसा नहीं थी। उनके लिए शरीर और संसार की वस्तुएं ही सब कुछ थी। वे पाप में जीवन बिता रहे थे, जिसके कारण वे प्रभु यीशु के द्वारा की गई सामर्थ्य के कामों को नकार रहे थे। प्रभु यीशु ने बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, यहाँ तक कि चार दिन के मरे हुए लाजर को मुर्दों में से जीवित किया। जब यीशु ने लाजर को जीवित किया तब बहुत से यहूदी यीशु की ओर फिर गए। तब शास्त्री और फरीसी महायाजकों ने लाजर को ही खत्म कर देने की साजिश की, ताकि लोग यीशु की ओर ना फिरें। वे समझ रहे थे कि यीशु इस जगत का राजा बन जाएगा। वे लोग प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते थे, जबकि प्रभु यीशु अपने वचनों में कहते हैं, यूहन्ना 11 के 25 और 26 पदों में, यीशु ने उससे कहा, पूर्ण स्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, और जो कोई जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अंतकाल तक ना मरेगा। यूहन्ना 10 के 7 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। यूहन्ना जब देखते हैं 10 के 17 और 18 पद को, तो वहाँ पर लिखा है, पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझे छीन नहीं सकता, वन मैं उसे आप ही देता हूँ। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। उपरोक्त वचनों के द्वारा प्रभु यीशु ने यह प्रकट कर दिया था कि मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मुझे प्राण देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। लेकिन जिन यहूदियों ने यीशु को क्रूस पर लटकाया था वे प्रभु यीशु के किसी वचनों पर और कामों पर विश्वास नहीं करते थे, जिसके कारण भीड़ को सुनते हुए यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण को छोड़ दिया। बाइबल अर्थशास्त्र बताती है, जैसे ही यीशु ने प्राण त्यागा मंदिर का पर्दा फटकर दो भागों में विभाजित हो गया। हालेलुया। जब देखते हैं मत्ती 27:51-54 पदों को, तो वहां पर लिखा है, देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टाने तड़क गई और कब्रें खुल गई, सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत से लोथे जी उठी,
और उनके जी उठने के बाद एक कब्र में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सुबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूडोल और जो कुछ हुआ देखकर अत्यंत डर गए, भयभीत हो गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। वचन से यह स्पष्ट होता है कि यीशु सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है और इस पृथ्वी पर हम मनुष्य जाति को हमारे पापों से उद्धार देने के लिए क्रूस पर बलिदान हुए। यीशु ने हम मनुष्यों से बहुत अधिक प्यार करते हैं, वे नहीं चाहते हैं कि हम पाप करें हुए मर के नरक में डाल दिए जाए और अंत काल तक पीड़ा में तड़पते रहें। वो नहीं चाहता है कि हम नरक में डाला जाए मेरे पियो। इसलिए जो उससे पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण को छोड़ दिया ताकि लोग जाने कि परमेश्वर का पुत्र और उद्धार करता है। फिर उसे कब्र में रखा गया। यीशु अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन लोगों को दिखाई दिए, अपने चेलों से बातचीत की, फिर सबसे देखते ही स्वर्ग पर चढ़ गए। यीशु मेरे पियो आज भी जीवित है। परमेश्वर हमसे बहुत अधिक प्यार करते हैं और बाइबल हमें बताती है, यजकियल 33 के 11 पद में लिखा है, सो तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्गों से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। हाँ मेरे पियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो, नहीं चाहता कि हम क्रोध को सामना करें। परमेश्वर हमारे लिए दुखित है, लेकिन वे न्याय और पवित्र परमेश्वर है। हम उसकी पवित्रता के सामने खड़े नहीं हो सकते। पापी उसकी निकटता में भस्म हो जाते हैं, इसलिए परमेश्वर बार बार पापों से मन फिराने के लिए अपने दास भविष्यवक्ताओं की तरह कहता है। परमेश्वर यर्मिया भविष्यवक्ताओं की तरह अपने प्रेम को प्रकट करते हुए कहते हैं, यर्मिया 9:1 में, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होता, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। प्रियो, जैसा परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु भी हम मनुष्यों से प्यार करते हैं। बाइबल में यीशु के प्रेम के लिए भविष्यवाणी की है, विलापगीत 3:48-50, मेरी आंखों से मेरी प्रजा की पुत्री के विनाश के कारण जल ही धाराएं बह रही है, मेरी आंख से लगातार आंसू बहते रहते हैं जब तक यहोवा स्वर्ग से मेरी ओर ना देखे। हालेलुया। प्रियो, यीशु का क्रूस पर बलिदान प्यार किसी के लिए व्यर्थ ना जाए पाए, तो आओ अपने अपने पापों को यीशु के आगे कबूल करें, पापों की माफ़ी के लिए सच्चे मन से गिरा कर यीशु मसीह से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सभी को जरूर माफ़ करेगा मेरे पियो। फिर आप पाप कर अपने आप को अशुद्ध ना करें। तब जब यीशु अपने चुने लोगों को लेने आएंगे तो आप भी यीशु के साथ स्वर्ग में जा सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए, अपने मित्र लोगों को भेजिए ताकि वो भी अपने पापों से फिर कर अंत जीवन का सहभागी बन जाए। अब ये 7 वाड़ी पूरी पोस्ट चुकी है, 1-7 तक सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जाइए और उन सारे वचनों को, वाणियों को सुनिए, प्रभु आपको इसमें आशीष प्रदान करेगा। जय मसीह की।